लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आंदोलन में इस वक्त बड़ी संख्या में आज युवा प्रकल्पग्रस्त शामिल हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ आग्रिकोल यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष नीलेश पाटिल जी हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से रिस्पांस रहा सिटको का और जो ये सिटको ने कारस्थानी की है इस आंदोलन से, आपको लगता है कि सरकार जागेगी? सबसे पहले तो हम थैंक यू बोलेंगे सिटको का कि सिटको ने ये जो भी गड़बड़ करी उस गड़बड़ से बेचारे हमारे सोए हुए जो भूमि पुत्र थे वो जाग गए, तो उसके लिए सबसे पहले तो उनके आभार। वो करने के लिए जिन मंत्री महोदयों ने उनको दबाव डाल के वो करवाया, उन मंत्री महोदयों का आभार कि आपकी वजह से हमारे चारों पांचों जिले के भूमि पुत्र है वो जाग गए। एंड आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भी लाखों की संख्या आपको यहाँ दिख रही है, 1 लाख प्लस लोग यहाँ आंदोलन की जो स्थल है, आंदोलन स्थली है, वहाँ पे पहुँचे हुए थे। करीबन 30 से 40 हज़ार लोग हमारे अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, उनको आने नहीं दिया गया है, उनको कहीं कहीं पर रोका गया है और अभी ये पूरी जो उन्होंने ट्रैफिक डाइवर्जन करी उसमें भी ट्रैफिक लग गई एडिशनली, तो लोग फंसे हुए हैं। काफ़ी सारे भिवंडी कल्याण डोंबिवली के लोग आ नहीं पाए, पहुँच नहीं पाए, तो अगर वो आते तो कम से कम 40-50 हज़ार लोग और रहते। तो ये सारी जो हमारी पॉपुलेशन है करीबन 1.5 लाख के आसपास लोग जो आंदोलन स्थली पहुंचे, ये हमारी 15 से 20% पॉपुलेशन है। आपकी सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए आने वाले टाइम में हम लोग ये 20% को 40% कर रहे हैं। अभी तक हमने सारे चारों जिलों के सारे तहसील हमने कवर नहीं करे, तो सारे तहसील के सारे गाँव हम लोग आने वाले टाइम में कवर करने वाले। तो आने वाले टाइम में कम से कम अगले 2 महीने का जो अल्टीमेटम दिया है इन्होंने 16 अगस्त तक, आने वाले 16 अगस्त तक हम ये 20% पावर 40% तक लेके जाने वाले हैं। और उसके बाद भी अगर ये नहीं सुने तो हम ये 40 को 60 तक लेके जाएंगे, आगे 60 को 80 तक लेके जाएंगे। हमारा पूरा प्रोग्राम डन है, कहाँ पे कब मीटिंग होनी है, कैसे कैसे लोगों में जनजागृति होनी है। यहाँ पे आपको नेता दिख रहे होंगे लेकिन सारे कार्यकर्ता नीचे थे, जो ये सारा क्राउड लेके आए हैं वो सब कार्यकर्ता और सामाजिक संगठना ने लेके आए हुए हैं और उनको उनका रोल पता है। उनको पता है कि हमारे हाथ में अभी 2 महीने मिल गए, अभी ये 2 महीने में हम 20% का 40% करेंगे, तो उसको जो अभी ये सरकार है उस सरकार से हमें निवेदन बोलिए, चेतावनी बोलिए, विनंती बोलिए कि उनको ये कहना है कि भाई पब्लिक जाग रही है, भूमिपुत्र जाग रहा है, उसकी सुनो। अगर 20% में आपके प्रशासन को इतनी परेशानी हुई, सोचो 40% में क्या होगा, सोचो 60% में क्या होगा। और स्पेसिफिकली ठाकरे सरकार और शिवसेना पक्ष, मेरी ये उनको राय है, चेतावनी है कि आपका पूरी पार्टी जो है यहाँ के सागरी भूमिपुत्र के कंधे पर खड़ी है। आगरी, कोली, कराड़ी, ईस्ट इंडियन, भंडारी, सारे बहुजन और ये सारे के सारे जो यहाँ के लोकल गाँव वाले हैं, हम सारे 12 बलूतेदार, सारे हम लोग कहीं जाति पाति नहीं मानते, तो ये सारे 12 बलूतेदार सागरी भूमि पुत्र है, उनके कंधे पे ये इनकी पार्टी खड़ी है। तो अगर आप इन्हीं के कंधे काटोगे, इन्हीं के हाथ पैर काटोगे, तो आपकी पार्टी खड़ी नहीं रहेगी, वो गिर जाएगी, ये आपको पता चलना चाहिए। आपकी पार्टी को मजबूत करना है तो इधर के सागरी भूमि पुत्र के कंधे मजबूत करो, आपकी पार्टी अपने आप मजबूत हो जाएगी। अगर आप अपना जो भी आपने हट्ट पकड़ा है, हम लोग हट्ट बोलते हैं कि जो आप बहुत ज़्यादा ओवर इंसिस्ट आप जो कर रहे हैं, तो ओवर इंसिस्ट मत करिए, उससे आपकी पार्टी खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ पे जो नाम होना है दीपा पाटिल साहब का होना है, दीपा पाटिल साहब कोई छोटे आदमी नहीं थे, वो 5 बार MLA, 2 बार MP, 1 बार विधान परिषद सदस्य, विपक्ष के नेता रह चुके हैं और इन्होंने सिर्फ 4 जिलों के लिए काम नहीं किया, पूरे महाराष्ट्र के लिए काम किया है। आने वाले टाइम में हम लोग तो पहले पूरे के पूरे 4 जिले एक्टिवेट कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं सुना तो पूरा महाराष्ट्र एक्टिवेट कर देंगे और जो भी सैलाब आएगा उसमें आपकी पार्टी की आपकी सरकार बह जाएगी। आप ये चेतावनी है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ फिर भी आपको ये छोटी सी चेतावनी दे रहा हूँ कि अभी भी संभल जाओ, खत्म नहीं हुए हैं आप, लेकिन अगर सुधरे नहीं तो खत्म हो जाओगे। जय दीपक। जैसा कि आपने देखा कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो निश्चित तौर पर यह चेतावनी है कि ना तो शिवसेना पार्टी रहेगी और ना ही सरकार रहेगी। जाहिर सी बात है ये चेतावनी बहुत बड़ी है और ये 15 अगस्त तक जो प्रकल्पग्रस्तों ने सिडको और राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 15 अगस्त तक नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल साहब के नाम का प्रस्ताव तैयार होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इससे भी बड़े आंदोलन को आप देखने के लिए मिल सकता है। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई।